हाय एवरीवन, मैं हूं अब्बास और आज मैं आया हूं अल अरेबियन ओखला एड में है। ओखला फूड टूर करके मैं एक सीरीज़ बना रहा हूं और इससे पहले मैंने बहुत सी फूड ईटरीज, कैफेज, रेस्टोरेंट्स को कवर किया है, तो अगर आप वो देखना चाहते हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज अल अरेबियन आया हूं मैं, जो कि ओखला मेन मार्केट में है और यहां के चिकन जिंगर बर्गर, चिकन लॉलीपॉप, चिकन रैप, बिरयानी और बहुत सी चीज़ें यहाँ मशहूर हैं। तो आइए चलते हैं और देन रिव्यू करते हैं। तो हमारे साथ अल अरेबियन के ओनर हैं आदिल भाई और उनसे बात कर लेते हैं। तो आदिल भाई कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो बताइए अपने वेंचर के बारे में, अल अरेबियन के बारे में। अल अरेबियन का अपना जो मशहूर है वो चिकन जिंगर बर्गर है और फ्रेंच फ्राइज है, चिकन रैप है, चिकन नगेट्स है, चिकन रोस्ट है और आपका चिकन लॉलीपॉप, अपना तंदूरी चाय बहुत अच्छी है। अब अपने नया स्टार्ट कर रहे हैं अरेबियन बिरयानी विद क्रिस्पी चिकन और शोरमा बर्गर है और शोरमा रैप है जो यहाँ का सबसे बेस्ट है और पूरी दिल्ली में आपको इससे अच्छा, अल अरेबियन से अच्छा बर्गर कहीं नहीं मिलेगा। तो अगर मैं पूछूं आपसे कि मतलब आपका कितना पुराना है ये अल अरेबियन? तो ये चार साल हो गए। आई थिंक फर्स्ट ब्रांच आपकी यहीं, ये मेन ब्रांच है तिकोना पार्क, जामिया यूनिवर्सिटी के पास ये, और बाकी मेरी ब्रांच जो है अपनी कड़काडुमा खरबंदा में है, एक भोगल में है और बाकी तो अभी शाइन बाग में इधर उधर लोगों ने अरेबियन के नाम से कर रखा है, तो वो तो थोड़ा लोगों ने कॉपी किया हुआ है क्योंकि अरेबियन तो अपना ये अल अरेबियन है, रजिस्टर्ड है, बाकी अरेबियन तो लोगों ने खोल रखे हैं काफ़ी ज़्यादा। हाँ, ये चीज़ मैंने भी देखी है कि ओखला में इवन काफ़ी, अगर आप 40 फुटा रोड पर भी जाओगे वहाँ पर रोड पर भी आपको मिल जाएंगे कि अरेबियन फूड करके। अरेबियन फूड के नाम से कर रखा है, OFC के नाम से कर रखा है, अरेबियन के नाम से कर रखा है, जहाँ पे भी अपना ये अल अरेबियन है ना, अपना अल अरेबियन जहाँ पे है और ये अपना लोगो रजिस्टर्ड है, ये लोगो रजिस्टर्ड है, वो अपना मेन ब्रांच अपना अल अरेबियन का है। फाइनली हमारा ऑर्डर आ चुका है और मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें क्या क्या आइटम्स हैं। ये है चिकन ब्रोस्ट और ये क्वार्टर है, दो पीसेज हैं, और अगर आप इसका फुल लेंगे तो फुल इसके 400 रुपीज़ का है, उसके अंदर आपको 8 पीसेज मिलेंगे। और ये जो आप देख रहे हैं ये है चिकन विंग्स, चिकन विंग्स जो हैं ये 140 के 10 पीसेज होते हैं, प्लस ये है यहाँ का रैप, तो ये चिकन रैप है, ये 60 रुपीज़ का है और ये एक पूरा है, दो पीसेस में कट हुआ हुआ है, बाकी उसके अलावा ये है आपका चिकन लॉलीपॉप, ये है 120 के 5 पीसेस। और आप अगर देखोगे चिकन को तो ये अरेबियन स्टाइल चिकन कहलाता है, आप देख सकते हो उसके ऊपर मुझे हल्का हल्का मसाला भी दिख रहा है। और उसके अलावा हमें यहाँ केचप्स मिली हैं, तो आप देख सकते हो ये वीबा की केचप्स हैं, प्लस साथ में हमें म्यूनेज भी मिली है, तो अलग अलग म्यूनेज हैं, ये आई थिंक चिल्ली वाली है, ये वाइट मेयो है, ये वाली कौन सी है, तंदूरी, ये तंदूरी मेयो है। तो देख सकते हैं आप कि अलग अलग वैरायटी के इसमें आपको मेयो भी मिलेगी। तो चलिए अब एक एक करके ट्राई कर लेते हैं। तो ये है चिकन ब्रोस्ट, चिकन ब्रोस्ट बहुत ही क्रिस्पी है और हल्का सा आपको मसाले का भी टेस्ट आएगा इसके अंदर। तो अगर आपको चिकन खाना है और लेग पीसेस में अगर आपको पसंद है तो इसमें आपको देखिए लेग पीस भी मिल सकता है, प्लस ये जो पीस है ये अलग पीस है, तो आप अपने हिसाब से जो भी आपको पसंद है लेग खाना चाहें तो लेग खा सकते हैं। बाकी जो चिकन पीसेज होते हैं ये डीप फ्राइड होते हैं। इसके अलावा ये विंग्स हैं, मैं मेयोनेज भी ले लेता हूँ क्योंकि मैं लास्ट मेयोनेज लेना भूल गया, तो ये हम मेयोनेज भी ले लेते हैं, ये भी बहुत यम्मी है। बाकी बस यही है कि ब्रोस्ट में और विंग्स में थोड़ा थोड़ा बस यही है कि डिफरेंट चिकन के पीसेज हैं, उसका डिफरेंस है। उसके अलावा यहाँ का ये रैप है, इसके अंदर मुझे चिकन दिख रहा है और साथ में मेयोनेज़ हैं डिफरेंट, बाकी इन्होंने होम फॉइल में ये रैप करके दिया, तो ये भी टेस्ट कर लेते हैं। बाकी ये जो है रोटी है, तो काफ़ी सॉफ्ट है ये रोटी,
चलिए इसे टेस्ट कर लेते हैं। अभी तक मैंने जो भी ट्राई किया मेरा फेवरेट है रैप, और बहुत ही सॉफ्ट है। अगर आप खाएंगे तो आपको बहुत ही डिलीशियस लगेगा। लास्ट ईयर आई है ये यहाँ का चिकन लॉलीपॉप, तो इसे भी टेस्ट कर लेते हैं। ये थोड़ा और सॉफ्ट है और काफ़ी क्रिस्पी और क्रंची है। तो अगर आप चिकन देखेंगे तो चिकन की जो वैरायटी है काफ़ी मिल जाएगी यहाँ पे। बस फर्क यही है कि डिफरेंट पीसेज हैं, जैसे कि ये ब्रोस्ट पीस मिल जाएगा आपको, ये विंग्स मिल जाएंगे। उसके अलावा जैसे अगर आप लॉलीपॉप फॉर्म में खाना चाहते हैं तो आप ये लॉलीपॉप फॉर्म में खा सकते हैं। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो काफ़ी टेस्टी है, और ये इन्होंने लेटूस वगैरह भी दिया है, प्लस प्रेजेंटेशन वाइज भी काफ़ी अच्छे से यहाँ मिला है। चलिए अब रिव्यू कर लेते हैं। मुझे तीनों चीज़ें काफ़ी अच्छी लगी, चारों चीज़ें जो मैंने खाई, और मैं तीन पैरामीटर्स पर रिव्यू करता हूँ, टेस्ट, प्राइस एंड हाइजीन, क्योंकि मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और अगर आप प्राइस को भी देखेंगे तो स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी प्राइस यहाँ का अफोर्डेबल है। तो मैं इसे तीनों पैरामीटर्स के लिए देना चाहता हूँ 4 स्टार्स। और अगर आप आना चाहते हैं तो आप ज़रूर आ सकते हैं अल अरेबियन, और नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन में बता देता हूँ आपको, चाहे आप ओखला विहार मेट्रो स्टेशन से आ सकते हैं, चाहे आप आ सकते हैं जामिया मिल्लिया इस्लामिया। और नियरेस्ट अगर लैंडमार्क जानना है तो वो है तिकोना पार्क, जसवंत अपार्टमेंट, आप किसी से भी पूछ के आ सकते हैं उसके जस्ट सामने। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए खाओ पियो ऐश करो और रुक जाओ, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और बेल आइकन को प्रेस भी कर देना।